या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संसिता नमत्तस्ये 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 नमो नमः। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV 27 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। और आज स्कंद माता की पूजा हो रही है, क्या विधि है, क्या विधान है, लेकिन उससे पहले आप देखिए खास रिपोर्ट। नवरात्र के 9 दिनों में 5वें दिन मां स्कंद माता की आराधना की जाती है। तारकासुर को ये वरदान मिला था कि वो भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही मृत्यु को प्राप्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। तारकासुर का वध करने के लिए देवी पार्वती और शंकर जी ने विवाह किया, उनसे कार्तिकेय उत्पन्न हुए और तारकासुर का अंत हुआ। स्कंद माता पार्वती जी का ही स्वरूप है। नवरात्र के 5वें दिन कुमार स्कंद की माता की पूजा होती है, इसलिए देवी स्कंद माता के नाम से जानी जाती हैं। माँ दुर्गा का ये रूप बेहद ही ममतामयी है। माँ इस रूप में अपने गोद में बालक स्कंद को लिए हुए स्नेह की वर्षा करती हैं। जो भक्त माँ के इस स्वरूप का ध्यान करता है, उस पर माँ ममता की वर्षा करती हैं और हर संकट और दुख से भक्त को मुक्त कर देती हैं। ये अद्भुत संयोग है कि दुर्गा माँ का 5वां रूप ममतामयी स्कंद माता का है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्म पत्री का 5वां भाव संतान सुख का घर है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस अद्भुत रहस्य को समझकर माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना करते हैं, माँ उसकी गोद हमेशा भरी रखती है। संतान सुख की इच्छा से जो व्यक्ति माँ स्कंद माता की आराधना करना चाहते हैं, उन्हें नवरात्र की 5वीं तिथि को लाल वस्त्र में सुहाग, चिन्ह, सिंदूर, लाल चूड़ी, नेल पेंट, लाल बिंदी, सेब, लाल फूल और चावल बांधकर माँ की गोद भरनी चाहिए। स्कंद माता को खुश करने के लिए स्कंद कुमार को खुश करना जरूरी है, क्योंकि जब तक संतान खुश नहीं होगी, माँ खुश नहीं हो सकती है। माँ को खुश करने के लिए 5वीं तिथि को 5 वर्ष की 5 कन्याओं और 5 बालकों को खीर और मिठाई खिलाएं। भोजन के बाद कन्याओं को लाल चुनरी जरूर दें। कहते हैं कि गले और वाणी पर स्कंद माता का प्रभाव होता है, इसलिए जिनके गले में किसी तरह की तकलीफ या वाणी दोष है, उन्हें गंगाजल प्रसाद के रूप में पीना चाहिए। ये उपाय उनके लिए भी लाभकारी है जो गायकी, एंकरिंग और अन्य वाणी से संबंधित पेशे से जुड़े हुए हैं। और नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं और ऐसे में आज 5वां दिन है, यानी कि स्कंद माता की पूजा हो रही है। हमारे साथ स्टूडियो में आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी मौजूद हैं, जो आपको विस्तार से नवरात्रि में मां के स्कंद माता स्वरूप की महत्वता के बारे में जानकारी देंगे। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है TV 27 न्यूज पर। नमस्कार दर्शकों, सादर वंदन, सादर अभिनंदन आप सभी को और नवरात्र की अनंत शुभकामनाएं। माँ स्कंद माता हर उस स्त्री के जीवन में, जिसके जीवन में मातृत्व भाव का अधूरापन हो, उसको पूर्ण करें, ऐसी मेरी शुभकामना है। बिल्कुल आचार्य जी, और स्कंद माता की आज पूजा हो रही है, 5वां दिन है। कहते हैं कि नवरात्र के 9 दिन बड़े पावन होते हैं भक्तों के लिए, लेकिन आज माता स्कंद माता की पूजा हो रही है, स्कंद माता के स्वरूप की पूजा हो रही है। आपसे जानने की कोशिश करें कि जो माता के भक्त हैं वो किस विधि से पूजा करें, विधि क्या है आज, और शुभ मुहूर्त की अगर बात करें तो पंडित जी आज का सबसे पहले आप शुभ मुहूर्त की बात करिए, शुभ मुहूर्त बताइए। देखिए, शुभ मुहूर्त में नवरात्र में कोई मुहूर्त देखने का कोई बंधन ही नहीं है, कहीं वृत्तांत ही नहीं मिलता है, क्योंकि इस समय माँ हर वक्त हर कण कण में विराज। वैसे तो सामान्य रूप से माँ क्या कहते हैं कि माँ दुर्गा का स्वरूप ही हर कण में मातृत्व भाव, यानी कि विशेष रूप से जीव भाव में समाहित हुआ है शिव के साथ। तो ऐसी अवस्था में नवरात्र जो है, विशेष रूप से उस समय धरा पर पूर्ण रूप से माँ विराजमान रहती हैं, और पंचम भाव जो है माँ स्कंद माता का है, पंचम स्थान जो है वह स्कंद माता का है, पंचम रूप जो है स्कंद माता। जैसा कि अभी आपके ही रिपोर्ट में बताया गया, ये अद्भुत है कि देखिए कि हमारा ज्योतिष और हमारे वेद शास्त्र और हमारे ईष्ट कैसे एक दूसरे को पूर्णता देते हैं। पंचम भाव जो है वह मातृत्व भाव, पिता सुख, संतान सुख का भाव दर्शाता है, और भविष्य की योजनाओं के लिए, संतान क्या है, भविष्य है हमारा,
ऐसी अवस्था में पंचम रूप स्कंद माता का आ जाने से, यानी कि गृहस्थ जीवन में पूर्णता, अब गृहस्थ जीवन में पूर्णता कैसे आएगी? देखिए, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि अगर हम विवाह कर रहे हैं, जो विवाह की प्रथा का चलन हुआ आर्या जी सनातन शास्त्र में, वह हुआ वंश वृद्धि संतान वृद्धि, यानी कि एक उत्तराधिकार के रूप में, एक कुल वृद्धि के रूप में, जो प्रथम उत्तरदायित्व विवाह का रहता है। तो ऐसी अवस्था में देखा गया है जिन जोड़ों के पास संतान सुख का भाव नहीं अभी तक प्राप्त हुआ है, उनके जीवन में निराशा आने लगती है और धीरे धीरे करके कलह शुरू हो जाती है उनके व्यक्तिगत जीवन में, क्योंकि जब कहीं अधूरापन रहेगा तो ऐसी अवस्था में उनके जीवन में कलह शुरू होगा ही होगा, यह सामान्य सी गणना है। तो ऐसी अवस्था में मां स्कंद माता मातृत्व भाव का सुख देने वाली। अब देखिए, अभी तक दो रूप, अब पीछे आपने देखा कि अष्टभुजी और दशभुजी, यानी कि विनाशकारी, यानी कि युद्ध मुद्रा में विराजमान रहने वाली, शेर पे सवार तो हैं स्कंद माता, लेकिन चार भुजाएं हैं, जो कोई एक भुजा अभय मुद्रा में है, यानी कि वह आशीर्वाद मुद्रा में है, और दो भुजाओं में कमल पुष्प विराजमान है, यानी कि सुख समृद्धि के साथ साथ मां लक्ष्मी के धन धान्य वैभव को दर्शाता हुआ दोनों भुजाएं हैं, और एक में अपने पुत्र स्कंद, यानी कि जिनके नाम के ऊपर स्कंद पुराण की गणना हुई है, उसके साथ ही उनको कार्तिकीय भी कहा जाता है। जो लोग जानते हैं कि शिव परिवार यानी कि पार्वती का ही यह स्वरूप है स्कंद माता, तो कार्तिकीय को गोद में लिए हुए हैं। इसका अभिप्राय यह है कि मां सुख समृद्धि और साथ ही साथ जो है संतान को, अगर आप निरोगी काया पाना चाहते हैं, जिसकी संतान बीमार रहती है, कुछ ना कुछ लगा रहता है, उसके लिए आज का पूजन जो है वह अद्भुत रहेगा, और आज अगर विधि विधान से वह पूजन करेंगे तो संतान सुख का पूर्ण भाव उनको प्राप्त होगा। बिल्कुल पंडित जी, लेकिन आज किस विधि से पूजा करनी चाहिए माता स्कंद माता को खुश करने के लिए, वो भी बताइए। देखिए, जैसा कि आपने देखा कि कमल पुष्प हाथ में विराजमान है माँ के, तो आज, और सबसे बड़ी बात कि सामान्य रूप से अगर आप देखेंगे तो कमल पुष्प के ही आसन पर रहती हैं माँ। देखिए कितना अच्छा वृत्तांत उनके रूप का मिलता है कि पटाम्बर परिधानाम मृदहास्या नालांकार विभूषिताम मुंजीर हार के रो किंकिण रत्न कुंडल धारिणी, यानी कि रत्न कुंडल किंकिण धारण किए हुए माँ का वह स्वरूप है जो कि किसी को भी मातृत्व भाव में आकर्षित कर देगा। तो ऐसी अवस्था में माँ जो है कमल पुष्प पे विराजमान रहती है, तो आज जो आप विशेष रूप से ध्यान देंगे, माँ को कमल पुष्प का आसन देंगे और साथ ही साथ कमल पुष्प से श्रृंगार करेंगे, और आज एक विशेष ख्याल करिए आप, जैसा कि आपके रिपोर्ट्स में भी बताया गया कि भोजन तो कराना ही कराना है, पांच जो है बच्चों को 5 वर्ष से कम आयु के और कन्याओं को, लेकिन इसके साथ अगर आप भोजन ना करा पाए या समय ना हो तो सबसे शुभ है कि आज के पूजन में 5 बच्चों के लिए या फिर कोशिश करिए कि 9 बच्चों के लिए जो है वह वहां पर नवजात शिशु के लिए वस्त्र वहां पे रखिए और माता का श्रृंगार रखिए। तो कोशिश करिए कि कोई जहां पर नवजात शिशु हुआ हो या फिर छोटे बच्चे हो, उनको यह दान करिए, उनकी माता को श्रृंगार की वस्तुएं दान करिए, शिशु को वस्त्र इत्यादि दान करिए। यह आज के पूजन की खासियत है। और हाँ, एक विशेष ध्यान दीजिएगा आर्या जी, हम सभी को अपने जीवन में आज के दिन देना चाहिए। आज का दिन जो है हमारे सनातन शास्त्र में गाय को, गौ को माता का दर्जा दिया गया है, परम मातृत्व भाव को दर्शाती है गाय, और विशेष करके हमारे सनातन, हमारे भारतवर्ष की धरा पर इनको पूजनीय माना जाता है। आज अगर आप कोई गौ जो है, गाय माता जो है बछड़ा दी हुई हो, यानी कि अभी वह उनके संतान उत्पत्ति हुई हो, तो वहां पर जाकर के गौ माता की सेवा करें और उनको सिंदूर से तिलक करें और साथ ही साथ उस बछड़े को दूध इत्यादि पिलाएं, उसको स्नान इत्यादि कराएं, स्वच्छ करें, उसकी सेवा करें, तो आज आपको माँ स्कंद माता बिना कुछ मांगे प्रसन्न होकर के, कोई तप नहीं चाहिए माँ को आज, आज कोई तपस्या नहीं चाहिए, कोई मंत्र जाप नहीं चाहिए, अगर यह क्रिया आप कर देते हैं तो आपके जीवन में
परम सुख की प्राप्ति आपको मिल जाएगी। बिल्कुल। और पंडित जी आपसे ये भी जानेंगे कि माता स्कंद माता का स्वरूप और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहाँ पर हमारे सहयोगी आलोक राजा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक जी, जिस मंदिर में आप मौजूद हैं वहाँ की तस्वीरें दिखाइए, और कितनी रौनक मंदिर में देखने को मिल रही है, उत्साह कितना भक्तों में देखने को मिल रहा है। आलोक जी। बिल्कुल आर्या, जय माता दी। सबसे पहले आपको और हमारे दर्शकों को भी जिन्होंने ट्यून किया है TV27 न्यूज और सुबह सुबह हमारी सहयोगी आर्या को देख रहे हैं, उन्हें सुन रहे हैं, उन्हें आत्मसात कर रहे हैं। मैं उस वक्त राजधानी लखनऊ का पुराना इलाका है, चौपटिया इलाका, वहाँ पर मंदिर है माँ संकटा का मंदिर। वहाँ पर मैं सुबह से आ गया, मैंने वहाँ पर उनसे भी बात की, और इस मंदिर की जो सबसे खासियत है अगर बता दें तो तमाम सारे जो भक्त हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं, और माता जो है कश्मीर की, जिस तरीके से माता की खीर की बात करें तो उनका जो एक स्वरूप है वो यहाँ पर है, तो कश्मीरियों से यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है वो मूर्ति जो है वहाँ पर एक विराजमान है, तो बड़ी संख्या में यहाँ पर कश्मीरी भी आते हैं, जिसमें यहाँ पर संकटा माता का मंदिर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। और आज जैसा कि आपने बताया भी, अभी पंडित जी भी बता रहे थे, मैं उनको सुन रहा था कि जब आज पांचवा दिन है माँ स्कंद माता का, स्कंद माता को प्रसन्न करने के लिए जो भक्त है आज बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं अपनी माँ को खुश करने के लिए। और आज के दिन में जब पीला वस्त्र की बात करें, और माँ को पीला भोग सबसे ज्यादा पसंद है, फल के रूप में लोग केला चढ़ा रहे हैं और सही तक केसर की बर्फी भी लोग माता को चढ़ा रहे हैं, तो भक्त बड़ी संख्या में माँ को खुश करने के लिए, माँ को प्रसन्न करने के लिए बड़ी संख्या में जतन कर रहे हैं, बड़ी संख्या में यत्न कर रहे हैं। आर्या। बिल्कुल आलोक जी, और माँ के नौ स्वरूपों की पूजा हो रही है, नौ दिन बड़े अद्भुत बेहद खास हैं भक्तों के लिए, और ऐसे में अलग अलग मंदिरों से लगातार TV27 के जरिए तस्वीरें भी दिखाई जा रही हैं। आलोक जी, जिस मंदिर में आप मौजूद हैं वहाँ की तस्वीरें भी दिखाई है कि भक्तों में कितना उत्साह है, भक्त कितनी संख्या में मंदिर पहुँच रहे हैं, पूजा अर्चना की जा रही है, ये भी दिखाई हमारे दर्शकों को। आलोक जी, मैंने आज आते ही सबसे पहले स्लाइड से पहले बात करके रखी थी, लेकिन अभी जो है वो आरती चल रही है। मैं पंकज भैया से कहूंगा वीडियो चलने, पंकज भैया जरा सा वो शॉट दिखाएं जहाँ पर दूर दूर तक नजर आ रहा है, जहाँ पर आर्या आप देख रहे हैं यहाँ पर मंदिर में इस वक्त आरती चल रही है, और यहाँ पर बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर आए हुए हैं, और ये वो है माता की ज्यादा तस्वीर, माता की जो अद्भुत तस्वीर है, जो हम कह रहे हैं जो आज संकटा माता मंदिर में जो विराजमान है, और अब यहाँ पर ये पूजा चल रहा है, हर हर महादेव के गुंजायमान है पूरा मंदिर यहाँ पर, मंदिर के अंदर का दृश्य भी हम दिखाएंगे। पंकज भैया जरा उसे दिखाइए हमारे दर्शकों के लिए, ये अंदर का सीन है, ये देखिए भक्तों की यहाँ पर भारी भीड़, बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जी हमारे यहाँ, तो हर वो तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और पंकज भैया एक जो बरगद का जो सिद्ध जो पेड़ है जरा वो भी दिखाएंगे, हम चाहेंगे दिखाएंगे सबसे पुराना जो मंदिर है बरगद का, यहाँ पर 108 शिवलिंग है, इस पेड़ पर अंदाजा लगाया जा सकता है इस बरगद के इस अद्भुत दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। आर्या। बिल्कुल आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद वो तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए माता के मंदिर से, और भक्तों को सीधा दर्शन करवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी। तो हम बात कर रहे थे कि माता माँ स्कंद माता का स्वरूप और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, क्या इंपॉर्टेंस है, धार्मिक मान्यताएं क्या है, ये भी आज राकेश पांडे पंडित जी आपको बताएंगे। देखिए आर्या जी, माँ स्कंद माता का स्वरूप जो है वह पार्वती माँ का ही मातृत्व भाव का स्वरूप है, और पंचम स्वरूप में यह इसलिए बहुत ज़्यादा खास हो जाता है कि यह वही स्वरूप है जिसमें माँ पार्वती जो है स्कंद माता के रूप में पुत्र अपने पुत्र स्कंद को अपने गोद में बिठाकर उनकी रक्षा करते हुए दानवों से युद्ध की थी। अब यह स्वरूप, इस स्वरूप की मान्यता सबसे ज़्यादा क्यों हो जाती है, क्योंकि यह वही स्वरूप है जिसमें माँ हमारे गृहस्थ जीवन में, हम सब के जीवन में सबसे पूजनीय इसलिए हो जाती हैं कि यह पंचम भाव का स्वामित्व करती हैं जन्म कुंडली में।
जन्म कुंडली में पंचम भाव वह है कि जो हमारे भविष्य की योजनाओं को लेकर के है, यानी भविष्य के शुभता को लेकर के है, संतान सुख की प्राप्ति को लेकर, साथ ही साथ माता पिता सुख को बढ़ाने वाला है। यानी कि अगर किसी के जीवन में मातृत्व भाव के या पिता भाव के सुख की कमी है तो उसके लिए भी यह स्वरूप बड़ा वंदनीय हो जाता है, क्योंकि इस स्वरूप में जो है चार भुजाओं के साथ जो तीन भुजाएं हैं, जिसमें कि दो भुजाओं में कमल पुष्प विराजमान है और एक भुजा अभय मुद्रा में है, वह आशीर्वाद मुद्रा में है, और एक भुजा में स्कंद को दुलार करते हुए, प्यार करते हुए माता दिख रही हैं। तो यह जो रूप है यह शांति का है, यह समर्पण का है, मातृत्व भाव का है, माता के सुख का है, संतान और माता के एक परम जो संबंध है, जो दर्शाता है कि एक माता हर स्थिति में प्रथम जो उसके लिए है, जो प्राथमिकता कर्तव्यों की है, वह उसके संतान की सुरक्षा और समृद्धि है। तो ऐसी अवस्था में आज का स्वरूप जो है, आज का रूप जो है, उसकी उत्पत्ति का जो महत्व है, वह सबसे ज्यादा गृहस्थ जीवन में ही पूजनीय है, क्योंकि यह मातृत्व भाव को भी दर्शाता है। आर्या जी, बिल्कुल पंडित जी, और हमने अभी पहले आपसे पूछा था कि पूजा विधि क्या है माँ की, वो भी आपने बताई, लेकिन जो लोग माँ के 9 दिन के व्रत रख रहे हैं, फास्ट कर रहे हैं, उनको आज प्रसाद में क्या भोग माता को लगाना चाहिए और किस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए, कौन सी गलती आज नहीं करनी चाहिए उनको? पंडित जी देखिए, कभी भी जब भी माँ को प्रसाद, खास करके जो फल का जब हम भोग लगाते हैं, तो अखंड फल का ही भोग लगाना चाहिए। मैंने बार बार कहा है आपके साथ आर्या जी, कई शो में मैं यह चीज़ बोल चुका हूँ, और दर्शकों इसका विशेष ख्याल रखिएगा। कुछ लोग केला काट करके, केले को वहाँ पर काट करके छील करके रख देते हैं, या फिर कई बार सेब के भी कई टुकड़े काट करके रख देते हैं। नहीं, कभी भी जब फल अर्पित किया जाए तो वह अखंडित रहे, यानी कि अखंड फल की प्राप्ति के लिए फल अर्पित किया जाता। देखिए, माँ भूखी नहीं है, माँ स्नेह समर्पण की भूखी है, और माँ को ऐसा नहीं कि आप एक सेब या एक केला अर्पित कर देंगे तो माँ का पेट भर जाएगा या संतृप्ति हो जाएगी। वो तो वह स्वरूप है जो काली स्वरूप में पूरे सृष्टि का दमन कर जाती, तब भी उनका पेट नहीं भरता। तो यही डर था कि शिवजी सामने आकर के उनको रोक देते हैं। तो माँ एकदम से ब्रह्मांड का वह अनंत स्वरूप है, जिसमें पूरी जो धरा है वह समा जाएगी, पता नहीं चलेगी। लेकिन क्यों अर्पित किया जाता है फल? अखंड फल की प्राप्ति, यानी कि जो भी हम मनोकामना कर रहे हैं, जो भी हम पूजा अर्चना में अपना भाव रख रहे हैं, माँ से जो मांग रहे हैं, वह अखंडित मिलेगी। अखंडित क्यों मिले? पता चला हमने कहा कि यह सुख मिले, वह सुख बीच में खंडित हो जाए या उसमें कुछ न कुछ रुकावटें आए, दिक्कतें आए, तो उसका सुख का महत्व नहीं रहेगा। इसलिए फल हमेशा अखंडित ही चढ़ाएं, चाहे वह केला हो, चाहे वह सेब हो, चाहे अनार हो, यह आप भोग लगा सकती हैं। फल में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत इस प्रकार से नहीं है। और इसके साथ ही आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि आप खास करके आज जो है केला जरूर चढ़ाएं, और साथ ही साथ आज जो है केले से बना हुआ कोई खीर या किसी प्रकार का मिष्ठान बना करके उनको अर्पित करिए, यह आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और साथ ही साथ एक चीज़ विशेष ध्यान दीजिएगा, बार बार हम बोलते हैं, बार बार हम आपको बताते हैं कि पान जरूर अर्पण करिएगा, और उसमें लौंग और इलायची जरूर रहे, तो इससे आपके प्रसाद की, इससे आपके भोग की पूर्णता मिल जाएगी। और हाँ, एक खास ध्यान आज जरूर आपको देना है कि आज सुबह और संध्या बेला में, भाई अब कुछ लोग तो सुबह का पूजन कर चुके होंगे, लेकिन जो दर्शक अभी नहीं किए हुए वह कर लेंगे, नहीं तो बाकी लोग संध्या बेला में कर लेंगे, कि आज आपको कपूर और गूगल की धूनी जरूर देना है। कपूर जला लीजिए, कपूर के साथ साथ गूगल उसी पे रख दीजिए, और घर के चारों कोनों में, विशेष करके हर कोने में जो है, जाकर के हर कमरे के चारों कोने में जाकर के धूनी दिखाना है हाथ से, इस प्रकार से, तो जिससे कि हर प्रकार की नकारात्मकता घर से दूर हो जाएगी। आर्या जी,
बिल्कुल पंडित जी, और पूजा के माता स्कंद माता की पूजा हो रही है, भक्त अलग अलग तरीके से पूजा अर्चना कर रहे हैं, कोई मंदिर जा रहा है, कोई घर में कर रहा है, क्योंकि किसी को टाइम नहीं। लेकिन ये भी जानने की कोशिश पंडित जी आपसे करेंगे कि माता स्कंद माता की पूजा से साधु को क्या लाभ मिलता है, आज के दिन पूजा करने से भक्तों को क्या लाभ मिलेगा? देखिए आर्या जी, पहले ही बता चुके हैं कि यह रूप जो है माँ का, वह मातृत्व भाव को दर्शाता है। और अगर आपकी संतान परेशान है किसी रूप में, चाहे वह स्वास्थ्य पीड़ा, कई लोगों को देखा गया है कि अब यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर कोसते हैं आर्या जी कि हमारी संतान जो है वह जन्म से ही परेशान है। तो अब कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि गुरु जी, आप लोग कहते हैं कि संतान के कुंडली में जो भोग होता है वह 11वें वर्ष, जैसा कि मैं स्वयं कहता हूँ कि वह अपना भोग जो है वो 11वें वर्ष से करता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि गुरु जी ऐसा क्यों फिर हुआ कि मेरी संतान नवजात शिशु ही परेशान है, किसी न किसी रोग से परेशान हो जाती है। अभी एक मेरे पास केस आया था कि उसके हृदय में ही बच्चे के छेद था। तो ऐसी अवस्था में लोग कोसते हैं, अब ऐसा क्यों कोसते हैं और उनको क्या विशेष ध्यान देना चाहिए? देखिए, ऐसी अवस्था में संतान 11वें वर्ष तक माता पिता के भाव को वही सुख भोगती है, यानी कि आपने जो कर्म किया हुआ है उसका पूर्ण प्रभाव आपकी संतान पर आएगी। आप किसी को, किसी का दिल दुखाए होंगे, किसी को रुलाए होंगे, किसी को तड़पाए होंगे, किसी को धोखा दिए होंगे, वह तड़पा होगा, तो उसी तरीके से आप भी संतान के लिए या फिर संतान वियोग में तड़पेंगे। तो ऐसी अवस्था में उस पाप से मुक्ति पाने के लिए, उस गलतियों से आपको मुक्ति पाने के लिए, अपने जीवन में सुधार करने के लिए और संतान सुख की पूर्णता, अब संतान सुख की पूर्णता से एक शब्द यह पूर्ण कर देता है कि अब चाहे संतान हो रही हो, उसमें दिक्कत हो, ना हो रही हो, या फिर संतान होने के बाद उसके स्वास्थ्य में कुछ कुछ ना कुछ रुकावट हो, या फिर संतान के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। अब यहाँ पर ये देखिएगा, संतान के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्यों अब यहाँ पे शुभता दी गई है, क्योंकि जब संतान प्रसन्न होगी तो मातृत्व भाव अपने आप प्रसन्नता में रहेगी, यानी स्कंद माता अपने आप प्रसन्न होंगी। तो ऐसी अवस्था में आज का जो स्वरूप है वह पूजा अर्चना करने से आपके जीवन में, गृहस्थ जीवन में संतान सुख की पूर्णता आएगी और संतान के जीवन से हर प्रकार का भय जो है वह माँ जो स्कंद माता है उन भय का, उन डर का विनाश करके शुभतापूर्ण ऊर्जा प्रवाहित करेंगे उसके जीवन जी में। बिल्कुल पंडित जी, और माता की आपने पूजा से क्या साधक को लाभ मिलता है ये भी बताया, लेकिन इस बीच आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि माता के लिए आज कौन सा, यानी कि कौन सा वो मूल मंत्र है जिसका जप करें और साधक को उसका आराम से, यानी कि आसानी से फल मिले और माता प्रसन्न हो। देखिए आर्या जी, आज का जो विशेष दिन है यह एकदम से वही स्वरूप है माँ पार्वती का, क्योंकि माँ पार्वती और शिव के ही पुत्र थे स्कंद, यानी कि कार्तिकेय। और आज जो विशेष समय, देखिए कार्तिकेय की भी पूजा आज करनी है आपको, क्योंकि अगर आप सिर्फ और सिर्फ माँ को प्रसन्न करेंगे तो माँ प्रसन्न नहीं होंगी। देखिए एक माँ सामान्य जीवन से सीख लीजिए कि एक माँ अगर है और उसका बच्चा वहां पर है, तो अगर आप उसके बच्चे को खिलाते हैं, उसका बच्चा आपके साथ हंसता खेलता है, तो माँ अपने आप प्रसन्न हो जाती है। उसको कुछ याद नहीं रहता कि उसके लिए आपने क्या किया क्या नहीं किया, उसके साथ दुर्भावना की, कुछ भी, वो सब कुछ भूल जाएगी और सिर्फ अपने संतान की खुशी में लीन हो जाएगी। तो आज शिव परिवार को, यहाँ गणेश जी को, भोलेनाथ को, कार्तिकेय को, माँ स्कंद माता यानी पार्वती, शिव परिवार की फोटो लगा करके दीप प्रज्वलित करके घी का दीपक जला लीजिए, और वहां पर विशेष रूप से अगर हो आपके पास तो रुद्राक्ष रख दीजिए दीपक के पास, और माँ के बीज मंत्र जो कि शिव और पार्वती दोनों के सामूहिक स्वरूप की जो है यहाँ पर वृत्तांत मिलता है, उसका जाप करना है, और इस जाप से पहले गणेश जी का पूजन और गणेश जी को आप पूर्ण रूप से उनके भजन गा करके, उनका मंत्र करके आप जो है मना लीजिए, क्योंकि गणेश को प्रथम पूजनीय कहा जाता है, और अगर गणेश जी को नहीं पूजा जाएगा तो शिव और पार्वती यानी स्कंद माता भी आपका पूजन नहीं स्वीकार करेंगी। तो ऐसी अवस्था में गणेश पूजन करके उसके बाद आपको इस दिव्य मंत्र का जाप करना है। क्या है वह मंत्र? ओम ह्रीं शिवाय नमः।
इस मंत्र का जाप करने से ह्रीम जो है वह माँ सती का, माँ पार्वती का मातृत्व भाव में बीज मंत्र है, और शिवाय जो है शिव और साथ ही साथ उनके पूरे कुटुंब परिवार को दर्शाता है। यानी इन दो बीज मंत्रों का, दो मंत्रों का जाप करके आप एक साथ शिव पार्वती कार्तिकेय गणेश चारों लोगों को प्रसन्न कर सकते हैं, और शांत होकर के आप इस मंत्र का कुछ देर जाप करिएगा, इसका आनंद अविस्मरणीय रूप से आपको मिलेगा। तो हम बात कर रहे थे कि माँ की पूजा में आज कैसे सावधानी बरतनी चाहिए, किन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, पंडित जी आपको बताएंगे। पंडित जी देखिए, आज आर्या जो विशेष रूप से आपको ख्याल करता है पूजा में और आज के पूजन में जो सावधानियां बरतनी हैं, वह विशेष रूप से आपको ध्यान देना है कि आज श्रृंगार की जितनी वस्तुएं हो सकें माँ को अर्पित करना है। श्रृंगार की वस्तु के साथ नवजात शिशु के वस्त्र भी अगर आप अर्पित करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। और इसके साथ ही आज खास करके आपको ध्यान देना है कि अगर घर में कोई बच्चा है, देखिए अब आज ये हो सकता है दिखे भी ऐसी क्रिया होती हुई आपके परिवार में, आपके कुटुंब में, कि अगर कोई छोटा बच्चा है तो वह आज हठ जो है कुछ ज़्यादा ही करे, यानी कि आज उसका स्वभाव कुछ ज़्यादा ही जिद्दी दिखे, तो ऐसी अवस्था में आपको उसको क्रोध ज़्यादा नहीं करना है, क्रोध से बचना है, जो है संतान को दुलार की भावना से, प्यार की भावना से आज ज्यादा देखना है। अगर आज आप क्रोध करते हैं खास करके संतान के ऊपर, तो आज आपसे माँ रुष्ट हो जाएंगी। और आज कोशिश यह भी करना है कि जो भी आपके घर में जो बच्चा है, क्योंकि सनातन शास्त्र कहता है कि नवजात बच्चे में या जो शिशु है जो अभी उसको बहुत ज़्यादा संसारिक ज्ञान नहीं है, तो उसके अंदर स्वयं देवता वास करते हैं। तो ऐसी अवस्था में खास करके अगर कोई कन्या है, कोई जो है बच्चा है, बेटा है आपके घर पे, वह आज ज़्यादा ही उद्दंडता करे, तो उसको प्यार से मनाइए, उसको बहुत ज़्यादा क्रोध मत करिए। क्रोध करने से आपके अंदर जो शुभता की भावना है वह जो है वह त्याग की भावना में नहीं आ पाएगी। तो ऐसी अवस्था में आप संपूर्ण जो है अपना जो है वह योगदान या अपना मानसिक जो योगदान है वह मातृत्व भाव के पूजन में नहीं दे पाएंगे। और हाँ, आज एक विशेष सावधानी आपको बरतनी रहेगी। आज आपको खास करके ध्यान देना है कि माता के लिए जो है वह दूध रहे कच्चा दूध, कच्चा दूध जो है वह माँ को अर्पण करिए। वह गाय का दूध मिल जाए तो अति उत्तम है, नहीं तो कच्चा दूध हल्का सा उसमें मिश्री घोल करके, मिश्री डाल करके माँ को अर्पण करें, और यही जो है प्रसाद स्वरूप लें। अब एक सावधानी मैंने इसमें क्यों कहा कि सावधानी बरतनी है कि जितने भी पैक्ड दूध हैं, जो पैकिंग के दूध आते हैं, अब हमारी शहरी क्षेत्रों में क्या ग्रामीण क्षेत्रों में भी मजबूरी हो गई कि कोई गाय पालना नहीं चाहता तो सब उसी पर निर्भर हैं, लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि वह सब हाईली टेम्परेचर पर बॉयल्ड होते हैं। यही एक कारण है कि मैं बार बार कहता हूँ पैक्ड दूध से ना शिव अभिषेक किया जाए और ना तो पंचामृत बनाया जाए, ना ही उससे स्नान कराया जाए देवी देवताओं को। तो आज ध्यान देना है कि कहीं से अगर प्रबंध हो पाए गाय का या भैंस का कोई भी दूध यहाँ पे मिल जाए तो उससे माँ को भोग लगाएं कच्चे दूध में मिश्री डाल करके, और वही प्रसाद स्वरूपा आप लोग लें। यह खास करके उनके लिए आर्या जी अतिशय लाभकारी होगा जिनके जीवन में संतान सुख नहीं मिल पा रहा है, खूब प्रयास कर लिया, मेडिकल का सहारा ले लिया, हर तरीके से पूजा पाठ करा लिया, लेकिन अभी भी शुभता नहीं मिल पाई है। तो यह जो प्रसाद है, जो कच्चे दूध का प्रसाद है मिश्री युक्त, इसको सिर्फ वही पति पत्नी धारण करें, यानी कि ग्रहण करें जो संतान उत्पत्ति को लेकर के अग्रसर हो रहे हैं। इस प्रसाद को अगर वह ग्रहण करते हैं तो आने वाले समय में हो सकता है माँ भगवती आने वाले नवरात्रि तक कुछ न कुछ शुभतापूर्ण इशारे दे देंगी, संकेत दे देंगी, जिससे आपके आंगन में नवकिलकारी गूंज जाएगी।
बिल्कुल, अगर आपके भी संतान नहीं हो रही है तो इन चीजों का ख्याल रखिए, ये सावधानियां बरतिए जो पंडित जी ने आपको बताई। लेकिन पंडित जी, राशि के हिसाब से भी हम बात कर लेते हैं कि अलग अलग राशि के जातक जो हैं उनको आज कैसे विशेष पूजा करनी चाहिए, कौन सा खास कलर आज उनको पहनना चाहिए और किन चीजों की विशेष सावधानी बरतनी चाहिए पंडित जी? देखिए आर्या जी, आज विशेष रूप से देखेंगे कि किन राशियों के लिए माँ स्कंद माता को, जो हर राशियां हैं, 12 राशियां हैं मेष से लेकर के मीन तक, वह अपने राशि अनुसार माँ को क्या क्या अर्पित करिए, आज पूजन में क्या अर्पित किया जाए, क्या उनको अर्पण किया जाए कि माँ प्रसन्न होकर के आपकी मनोकामना पूर्ण करें, तो इसी श्रृंखला में अब बढ़ते हैं। और सबसे पहले बात होगी मेष राशि की। मेष राशि वाले अगर संतान को, संतान सुख के भाव से वंचित हैं। अब वंचित कैसे हैं? वंचित का अभिप्राय यह नहीं है कि संतान हो ही नहीं रही है। अब यहाँ जो वंचित है रहने का प्रश्न है वह है कि संतान होते हुए भी संतान उनको समय नहीं दे रही है, अपने माता पिता की वैल्यू नहीं कर रही है, तो ऐसी अवस्था में यह लोग जो हैं मेष राशि वाले जो हैं, माता को चंदन इत्र अर्पण करें। चंदन इत्र अर्पण करके वही चंदन इत्र रोज अपने लिए प्रयोग करें, यानी कि अपने ऊपर उसको लगाएं, नवरात्र के बाद से आरंभ करेंगे। आज वहां पर रख दीजिए मां स्कंद माता के नाम से, और नवरात्रि बाद जब कन्या पूजन इत्यादि कर लें तो उसके बाद से आप उसको प्रयोग करना शुरू करें। देखेंगे कि ना चाहते हुए भी आपकी संतान आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाएगी और प्रेम बस आपके ऊपर ध्यान देना शुरू कर देगी। बात अब वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातकों के लिए अगर उनके जीवन में, वैवाहिक जीवन में दिक्कतें चल रही हैं, यानी कि पति पत्नी के जीवन में दिक्कत आ रही है, या फिर उनके संबंधों में अक्सर किसी न किसी का हस्तक्षेप जो है, कई बार ऐसा देखा गया है, क्योंकि यह माता स्वरूप हैं स्कंद माता। और देखिए, एक बच्चे को, संतान को लेकर के अगर वह अभय मुद्रा में बैठी हुई हैं और युद्ध भी की हैं, तो इसका अभिप्राय यह है कि कुटुंब रक्षा के लिए भी यह स्वरूप अत्यंत पूजनीय है। तो ऐसी अवस्था में वृषभ राशि वाले जो हैं, विशेष रूप से आज माता को चुनरी चढ़ाएं, पीली चुनरी चढ़ाएं, और साथ ही साथ जो है आज इनको माँ जो है वरदान देंगी। किस क्रिया से? आज आपको वृषभ राशि वालों, खास करके आपके लिए जो है माता को श्रृंगार की वस्तु जो है अर्पित करनी है। श्रृंगार की वस्तुओं में खास करके ध्यान दीजिएगा कि आप जो भी वस्तुएं लाएं वह ऐसी हो, कई बार लोग डमी ला करके 10 रुपए का, 5 रुपए का पैकेट लाके रख देते हैं, नहीं, क्या आपको जरूरत होती तो आप वह लाते, आप प्रयोग करते। यह विशेष ध्यान दीजिए कि मैं उस माँ को अर्पण कर रहा हूँ जो पूरे संसार का संचालन करती हैं, तो वही लाइए जो सोचिए कि आप प्रयोग कर सकते हैं अपनी इच्छा शक्ति अनुसार, यानी कि जो आप अपने लिए प्रयोग करें, कोशिश करिए उससे बेहतर ही माँ को अर्पण करिए। यह विशेष ध्यान दीजिएगा। 10 रुपए 5 रुपए वाला पैकेट जो सिर्फ फेंका जाता है, बच्चों के खेलने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसको आप माँ को ना चढ़ाएं, अपने सनातन के साथ खिलवाड़ ना करें। बात मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज अगर आप व्यापार में उन्नति चाहते हैं, व्यापारिक दृष्टिकोण से लाभ चाहते हैं, तो आज आपके लिए केसर की बर्फी, केसर युक्त मिश्रित बर्फी जो है, अगर आप दूध से बनी हुई और उसमें केसर का प्रयोग हुआ रहे, वह आप अर्पण करेंगे, तो विशेष रूप से व्यापारिक दृष्टिकोण से अद्भुत लाभ होगा। अगर काम बार बार अटक जा रहे थे और प्रतिद्वंदी आपको परेशान कर रहे थे, तो वहां भी आपको मुक्ति मिलेगी, क्योंकि अभय मुद्रा में माँ विराजमान है। अब बात कर्क राशि की। चौथी राशि, कर्क राशि वाले चंद्रमा प्रधान राशि हैं और मातृत्व भाव को दर्शाता है चंद्रमा, यानी माँ भाव को दर्शाता है। अगर माँ का स्वास्थ्य पीड़ित रहता है, अब देखिए अब तक तो बताया गया कि आप कैसे संतान सुख की प्राप्ति करें, लेकिन अब संतान का भी उत्तरदायित्व आता है कि अगर माँ बीमार रहती है, माँ को कुछ ना कुछ परेशानी लगी रहती है, तो संतान अब इस क्रिया को करें। कर्क राशि वाले, कर्क राशि के जातक हैं और आपकी माँ बीमार रहती हैं, परेशान रहती हैं, तो ऐसी अवस्था में आज आपको यह प्रयोग करना चाहिए। क्या है प्रयोग? माँ के लिए विशेष रूप से
पीला सिंदूर जो है वो अपने हाथ से स्पर्श मत करिएगा, यानी खोलिएगा नहीं, कोई डिब्बी रहे या फिर अगर अर्पण करिएगा घर में हो तो पुष्प में लगा करके उनके चरणों में अर्पित करिएगा। और साथ ही साथ आज जो है मीठी खीर का भोग लगाइएगा, यानी कि मीठा डाल करके खीर बनाइएगा। अब तक आपको बताया गया था कि मीठा नहीं डालना है, लेकिन अब आपको आज मीठी खीर का भोग लगाना है माँ को, और प्रसाद स्वरूप कोशिश करिए कि अगर वह कन्याओं को खिला सकें तो अति उत्तम है, नहीं तो कुछ जो है सुहागन स्त्रियों को, चाहे दो चाहे पांच, किसी भी, मैं संख्या बल नहीं देता हूँ, आप स्वेच्छा से जो संभव हो उनको खिलाएं तो आपको शुभता मिलेगी। बात अब पांचवी राशि की आर्या जी, पांचवी राशि जो आर्या जी है वह सिंह राशि है। सिंह राशि वालों के लिए यह नवरात्र अद्भुत है, सूर्य की प्रधान राशि है और माँ स्कंद माता को भी कहा गया है कि स्वर्ण आभा लिए हुए हैं और सौर मंडल में उत्पत्ति की कारक हैं, यानी कि सृजन की कारक हैं, मातृत्व की कारक हैं। तो ऐसी अवस्था में सिंह राशि वाले अगर बार बार अपने ऑफिस कार्यालय या फिर परिवार में भी अपमानित हो रहे हैं, उनकी वैल्यू कोई नहीं समझ रहा है, आपने अपना पूरा जीवन परिवार को समर्पित कर दिया और आपका परिवार आपके जो त्याग की वैल्यू नहीं समझ रहा है, तो आप आज यह प्रयोग जरूर करिए। क्या करना है आपको, पान के पत्ते पर पांच जो है सुपारी और साथ ही साथ एक जायफल जो है वह माँ को अर्पण करिए। यह क्रिया करने से आपके जीवन में पूर्णता आएगी और जो भावुकता का अधूरापन है, स्नेह का अधूरापन है कुटुंब में, वह भी पूर्ण होगा। बात अब छठवीं राशि की, राशि चक्र में कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए आज आपके लिए स्वास्थ्य बाधा से मुक्ति पाने का दिन है, क्योंकि अक्षय वरदान अभय मुद्रा में माँ है। तो अगर आप बार बार बीमार रहते हैं, स्वयं अपने स्वास्थ्य से परेशान रहते हैं, खूब दवाएं करके आप परेशान हो चुके हैं, कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो आज का दिन आपको अभय वरदान माँ देंगी। माँ स्कंद माता के लिए आज आप अखंड फल का भोग लगाइए और अखंड फल का भोग लगा करके कपूर की धुनी से माँ की आरती करिए, यानी कि कपूर जला करके माँ को आरती दिखाइए। यह माँ के लिए अति शुभ रहेगा और आपको लाभान्वित करेंगी माँ। बात अब आर्या जी आठ सातवीं राशि, राशि चक्र की तुला राशि। तुला राशि शुक्र की प्रधान राशि है आर्या जी, और तुला राशि वालों के लिए आज जो है शुभता देने का समय है। किस विषय में, अगर आप खूब कमाई कर रहे हैं लेकिन धन नहीं टिक रहा है और खूब कमाया आपने, आज तक एक मकान नहीं बना पाए हैं, तो आज आपके लिए गृहस्थ सुख की प्राप्ति। गृहस्थ सुख कैसा है कि अपने घर का सुख, अपना घर जब होता है तो सौ तनाव आप भूल जाते हैं, और आजकल तो शहरी क्षेत्रों में और ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। तो ऐसी अवस्था में तुला राशि वालों के लिए आज अक्षय वरदान पाने का है। क्या करना है आज आपको, जायफल जो है ले लेना है और जायफल के साथ साथ आज एक विशेष क्रिया भी करनी है। जायफल लेकर के जायफल को काट करके, यानी कि उससे बल विधान किया जाता है, जो लोग जानते हैं, जायफल को आधा आधा हिस्से से काट दिया जाए, ऐसा काटा जाए किसी चीज से कि एक बार में ही कट जाए, और उसी दोनों टुकड़ों के ऊपर रख करके जो घर के मुख्य द्वार पर, जहां आप रह रहे हो, चाहे किराए के घर पे हो या किसी दूसरे के घर पे हो, तो भाई दूसरे के घर पे तो दिक्कत आएगी, लेकिन अगर किराए पर हैं आप तो आप यह क्रिया कर सकते हैं। मुख्य दरवाजे पर कपूर रख करके और उसको प्रज्वलित कर दीजिए, आपके लिए शुभता मिलेगी जी। बात अब आठवीं राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए क्या करना है, मंगल की प्रधान राशि है और नवरात्र के कुछ ही दिनों बाद मंगल नीच की राशि में आने वाले हैं, तो आने वाले समय में मंगल की शुभता लेने के लिए आज सबसे उत्तम दिन है, क्योंकि मंगल जो है संतान बल को दर्शाता है। तो ऐसी अवस्था में आज माँ के लिए विशेष रूप से आप देखें तो दुर्गा कवच का आपको पाठ करना है, और साथ ही साथ जो है आज आप माँ के लिए पंचमेवा का जो है वह जो है हलवा बनाएंगे, यानी पंचमेवा का जो है घिस करके उसको काट करके उसको दूध में मिला करके हलवा केसर डाल करके अगर आप अर्पण करेंगे तो माँ प्रसन्न होंगी। बात अब धनु राशि की, नौवीं राशि, राशि चक्र की नौवीं राशि। धनु राशि वाले गुरु प्रधान राशि हैं, गुरु प्रधान राशि होते हुए आज आपको पीला वस्त्र लेकर के
पीला वस्त्र धारण करके और माँ की उपासना करनी है, माँ का मंत्र करना है और माँ के मंत्र का जाप करते हुए आपको विशेष ध्यान देना है कि जो आपके सामने तस्वीर हो वह शिव परिवार की हो, संपूर्ण शिव परिवार की तस्वीर सामने रख के पूजन करिए। बात अब मकर राशि, दसवीं राशि। मकर राशि वालों के लिए शनि की प्रधान राशि है, शनि की पीड़ा से साढ़े साथी से मुक्ति पाते हुए आप नजर आ रहे हैं, लेकिन और शुभता लेने के लिए आज आप माँ को विशेष रूप से जो है आज किशमिश का जो है खीर, किशमिश खूब अधिक मात्रा में डाल दीजिए दूध में और कुछ वहां पर पंचमेवा इत्यादि डाल दीजिए और उसी की खीर बनाकर के अब इसमें मीठा मत डालिएगा, किशमिश इतना रहे कि उसी के मिठास से माँ प्रसन्न हो जाए, तो आज आप अक्षय वरदान पाने का काम करेंगे यह क्रिया अगर आप कर लेते हैं तो। बात 11वीं राशि की, धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए आज शुभतापूर्ण दिन है, आज आपके लिए अगर आप बेवजह परेशान रहते हैं और आपके कार्य में कोई ना कोई अड़चन डाल देता है तो आज आपको शुभता लेनी है, माँ हर अड़चन आपके जीवन से दूर कर देंगी क्योंकि अभय मुद्रा में बैठी हुई हैं। आज आपको कमल गट्टे के दाने, क्योंकि कमल पुष्प विराजमान है, कमल पुष्प हाथ में धारण किए हुई हैं, कमल गट्टे के दाने माँ को अर्पण करना है, कमल गट्टे के दाने अर्पण करने से माँ प्रसन्न होंगी और जीवन में हर प्रकार की पूर्णता देंगी। अब बात अंतिम राशि की, आर्या जी मीन राशि। बिल्कुल पंडित जी, मीन राशि के जातकों के बारे में जरूर जानेंगे, लेकिन उससे पहले लिए चलते हैं वाराणसी जहाँ पर हमारी संवाददाता आंचल रघुवंशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आंचल, जिस मंदिर में आप मौजूद हैं वहाँ क्या रौनक निकल कर सामने आ रही है, भक्तों में कितनी संख्या में भक्त मंदिर पहुँच रहे हैं और कितना उत्साह भक्तों में देखने को मिल रहा है, आंचल? बिल्कुल आर्या, आज नवरात्रि का पांचवा दिन है, आज माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। इस समय हम वाराणसी के बेहद प्राचीन मंदिर में हैं, जिस तरीके से श्रद्धालुओं का जो तांता है एक सुबह से लगा हुआ है, श्रद्धालु एक सुबह से ही माता का दर्शन करने व पूजन करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकती हैं जो श्रद्धालु हैं वो कतारबद्ध होके माता के दर्शन कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो यहाँ पे महिलाएं हैं उनकी संख्या बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि जो महिलाएं हैं वो माता से आज अपनी मनोकामना लेकर आई हैं, क्योंकि आज पांचवा दिन है और स्कंद माता ज्ञान की देवी हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं बेहद ही मनमोहक तस्वीरें माता रानी की निकल के जा रही है आर्या, और यहाँ पे जो भक्तों का तांता है वो लगा हुआ है। यहाँ पे हवन कुंड भी है जहाँ पे लोग आ रहे हैं, यहाँ पे यज्ञ पूजा पाठ आराधना कर रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे देख सकती हैं कि हम इनसे बातचीत भी करेंगे। आर्या कहाँ से आ रही है? आज नवरात्रि का पांचवा दिन है, क्या मान्यता है, क्या मन्नत लेके आई है हमारे दरबार में? माता का आशीर्वाद लेने आई है। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पे, आर्या बात करें, कहाँ से आ रहे हैं? मैं आया हूँ इधर बालाजीपुरम। बालाजीपुरम, आज नवरात्रि का पांचवा दिन है, क्या महत्व है, क्या विशेषता है, कुछ जानकारी रखते हैं? माँ दुर्गा का आशीर्वाद हम लोगों को दिया है। मंदिर के बारे में कुछ जानते हैं, कितना प्राचीन मंदिर है? जी बिल्कुल आर्या, और भी लोग हैं यहाँ पे, से बात करेंगे। मैडम आज नवरात्रि का पांचवा दिन है, क्या मनोकामना लेके आई है माँ के दरबार? माता जी से यही मनोकामना लेके आए, हम सबकी मनोकामना सब पूर्ण करें, जो भी इच्छा सबसे तो पूरा करें। नवरात्रि का व्रत रखती हैं? जी, 9 दिन का पूरा उपवास रखती हैं। इनका पूरा उपवास रहती है, आज पांचवा दिन है, आज इसके दिन की क्या मान्यता है कि माता स्कंद की पूजा की जाती है आज के दिन? स्कंद माता की पूजा कर जला हमने यही भी है जौनपुर का। अच्छा, जौनपुर की है। अच्छा, जय माता रानी। जय माता रानी। जिस तरीके से आर्या देख रही हैं भक्तों में कितना उत्साह है और भक्तगण यहाँ पे एक सुबेरे से आए हुए हैं, यहाँ पे कुछ और भी महिलाएं से बात करेंगे। मैडम कहाँ से आ रही है? वाराणसी से। आज नवरात्रि का पांचवा दिन, आज माँ स्कंद की पूजा की है आपने, क्या मनोकामना लेके माँ के दरबार में आई थी? मनोकामना लेके आई हूँ कि हमारे पूरे परिवार अच्छे से रहे, पूरा परिवार आगे बढ़े। कितने सालों से आ रही हैं इस मंदिर में? मैं यहाँ तो 300 साल से रह रही हूँ, पर अभी आज पहली बार आई हूँ। आज पहली बार आई हैं, नवरात्रि का व्रत रखती हैं? नवरात्रि का व्रत रखती हैं। जी आर्या, जिस तरीके से आप देख रही हैं कितना उत्साह है लोगों में और लोग भक्त जो है वो दूर दूर से माता के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। अब हम मंदिर प्रांगण की तरफ आर्या चलेंगे और आगे हम यहाँ के जो महंत है, पुजारी है, उनसे भी बातचीत करेंगे और लोगों से। कहाँ से आ रही है? शिवपुर से आ रही हैं, हर साल आती हैं। आज क्या मनोकामना, इच्छा क्या लेके आई हैं?
सबका अपना अपना मनोकामना रहता है कि सब मतलब कहाँ से आ रही है? शिवपुर से आ रही हैं। आज नवरात्रि का पांचवा दिन है, कैसा लग रहा है माँ के दरबार में, क्या इच्छा लेके आ रही हूँ माँ? अच्छा है, माँ के दरबार अच्छा रहता है। बिल्कुल आ रहा है, जिस तरीके से तस्वीरें आप साफ तौर पे देख रही हैं, भक्तों की श्रद्धा और भक्ति भाव से पूरे आज जो भक्त हैं वो माता के दरबार में आए हुए हैं और आज माँ स्कंद की जो पूजा अर्चना करके अपने मनोकामनाएं अपने इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं। अरे यहाँ पे बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं मंदिर की, जिस तरीके से यहाँ पे देखिए चुनरी और फूल सामग्री पूरी 16 श्रृंगार के सामान माता के लिए यहाँ पे भक्त खरीद रहे हैं और कितना उत्साह है आ रहा, वो आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल आंचल, आप वो लगातार तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें भक्तों में एक अलग सा उत्साह देखा जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आंचल तमाम सारी जानकारी देने के लिए और तस्वीरें माता की दिखाने के लिए। लेकिन पंडित जी, हम बात राशि के कर रहे थे, मीन राशि के जातकों के बारे में क्या कुछ आज संयोग बन रहे हैं, किन चीज़ों पर उन्हें विशेष ध्यान रखना होगा, ये बताइए पंडित जी। देखिए, आज विशेष ध्यान देना है, मीन राशि गुरु की राशि है और साढ़े साती के अब तो एकदम से मध्य चरण में प्रवेश कर जाएगी और प्रथम चरण चल रहा है, तो ऐसी अवस्था में मीन राशि के जातकों के लिए ध्यान देना है कि आज माँ को केला अर्पण आप करेंगे लेकिन स्वयं जो है वह केले का भोग नहीं लगाएंगे, यानी केला खुद नहीं खाएंगे। यह आपको विशेष ध्यान देना है, यह सावधानी बरतनी है। और साथ ही साथ आर्या, देखिए एक विशेष चीज आज के दिन करना है आप सभी को, आज हर प्रकार के भय का नाश करने वाली माँ अभय मुद्रा में है, तो ऐसी अवस्था में आपको आज माँ को जितना हो सके समर्पण भावना से मनाना है। और आज जो है विशेष करके अगर आप एक श्लोक मंत्र का पाठ करते हैं तो माँ हर प्रकार से प्रसन्न होकर के आपके जीवन से हर शत्रुओं का दमन करेंगी, उनके मन में भय पैदा करेंगी। और क्या करना है वह श्लोक मंत्र, महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी त्राहि माम स्कंद माते शत्रुनाम भयवर्धिनी। यह मंत्र अगर आप जपते हैं, अगर अपने घर में अपने संतान को बिठा करके, तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार का शत्रु हो, चाहे वह तंत्र मंत्र जनित हो या मानव रूप में हो, माँ स्कंद माता उसके मन में भय पैदा करेंगी और वह आपसे स्वतः दूर होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल पंडित जी, ये तो हमने जातकों के हिसाब से बात कर ली कि राशि के अलग अलग राशि के जातकों को कैसे अपनी अपनी पूजा करनी चाहिए और किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। लेकिन पंडित जी, एक सवाल और है, कुछ बच्चे हैं जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, कुछ लोग हैं जो जॉब के लिए जाते हैं, अदरवाइज जॉब तो मिल जाती है लेकिन उन्हें मन मुताबिक नौकरी नहीं मिल पाती है, तो वो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, नहीं होने के बाद प्राइवेट में आ जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर में। ऐसे में मनवांछित फल पाने के लिए जॉब हो या फिर करियर से रिलेटेड हो, उन जातकों को, उन लोगों को, उन भक्तों को आज के दिन क्या विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए? देखिए, वह लोग जो विद्यार्थी जीवन में हैं, शोध कार्य में हैं या फिर नौकरी में भी, जैसे कुछ लोग साइंटिफिकली तरीके से या किसी न किसी प्रकार के शोध कार्यों में हैं, लगे हुए हैं, वहाँ उनके शोध कार्यों में सफलता उनको प्रसिद्धि दिलाती है, तो ऐसी अवस्था में चाहे वह आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हों, शोध कार्य में हों, अध्ययन में हों, उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हों, हर प्रकार से आज माँ, क्योंकि आज आप जो है एक संतान के रूप में माँ को पूजेंगे, मातृत्व वास्तव में देखा जाए जो है नौ रूपों में आर्या जी, तो यही एक वास्तविक स्वरूप है जो मातृत्व भाव को दर्शाता है, यानी कि एक माँ के भाव को दर्शाता है। नहीं तो हर जगह माँ जो है वह शिव के अर्धांगनी या फिर शिव और शक्ति के पूर्णता को दर्शाती हैं, वहां वह स्त्री शक्ति को दर्शाती हैं, यही एक रूप जो है वह पूर्ण रूप से मातृत्व भाव को दर्शाता है, यानी कि इस रूप में माता का स्वरूप, माता की भावना, माता का स्नेह समाया हुआ है, तो ऐसी अवस्था में आज के दिन विशेष रूप से अगर आप विद्यार्थी जीवन में शोध कार्यों में हैं तो आपके लिए गणेश जी का मंत्र आपको करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ओम विघ्नहर्ताय नमः,
अगर आप विघ्नहर्ता के इस बीज मंत्र का जाप करेंगे या फिर अगर आप माला करते हैं, अगर आप माला करने जा रहे हैं तो जो पहली माला करिए उसको आप विशेष रूप से ध्यान देना है। अगर आप माला जप करने जा रहे हैं बीज मंत्रों का जप, तो आपको कैसे करना है, जो पहली माला चलेगी यानी जो पहला कंठ चलेगा वह करना है ओम आदौ गणपतये नमः, उसके बाद आप ओम गंग गणपतये नमः ये समस्त माला करेंगे, इससे आपके जीवन में अच्छे सुख की प्राप्ति। बिल्कुल पंडित जी, आपने वो तमाम प्रश्नों के उत्तर दिए हैं जो जातक सच में जानना चाहते हैं, लोग जानना चाहते थे। लेकिन कल फिर से इस समय हाजिर होंगे, आज के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी।